मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा के पक्ष में वोट दिलाने के लिए महागठबंधन के नेताओं के बीच बैठक हुई, जिसमें संसदीय क्षेत्र के कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया है। बैठक के दौरान जनता के बीच केंद्र सरकार की विफलताओं को मुद्दा बनाने की अपील की गई है। मैं अपने तो बात नहीं करता हूँ, लेकिन अपने दोस्तों से बात करवाता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो तो क्या स्थिति है, हर लोग बोल रहे हैं कि खूंटी लोकसभा में अभी हम लोग बहुत बुरी तरह हारने जा रहे हैं। आप भी पता कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण मंत्रालय में थे, आदिवासी मंत्रालयों के मामले के मंत्री थे कि आदिवासियों के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए। आज महत्वपूर्ण जिम्मेवारी में कृषि मंत्री है, ये क्षेत्र में कृषि की क्या स्थिति है, बद से बदतर हो गई। अपने कुछ लोगों को हमारे पीछे नहीं खड़ा कर, आप इसका उदाहरण देखिए। हजारीबाग में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन ने जेपी पटेल को अपना कि कांग्रेस ने एनडीए ने इंडिया गठबंधन ने अपना एक मजबूत प्रत्याशी बनाया है, बताने की जरूरत नहीं है वो कौन है। उन्होंने फिर एक महत्व को खिलाफ में आप किसी जसवाल को खड़ा करते। इंडिया गठबंधन ने भी अपने आपको केंद्र स्तर से लेकर के राज्य स्तर और दूसरे तरह से लोकसभा स्तर की तैयारियों को शुरू कर दिया है, और उसी क्रम में आज की बैठक भी आयोजित की गई है। सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस के सभी प्रखंड के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक रखी गई है, और इस बैठक में ही हम लोग को चुनाव में किस तरीके से जाना है और मजबूती से चुनाव लड़ना है, इसको लेकर के आम चर्चा है, आम चर्चाएँ होनी है। और आम चर्चा के बाद में हम लोग यहाँ से निकलेंगे और सीधे तरीके से खूंटी लोकसभा के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ। पिछले बार 2019 के चुनाव में कांग्रेस को तमाड़ से बहुत कम वोट मिला था, तमाड़ में ही बीजेपी को जीत मिला। देखिए पूरे आप ये नहीं कर सकते हैं, एक्चुअली है होता क्या, आप इतिहास जाके अगर देखेंगे तो इतिहास में आपको देखने को मिलेगा कि मुझे जहाँ तक याद है पिछले 20 सालों के इतिहास अगर आप देखेंगे तो 20 सालों में हमको लगता है कि लगातार उन्होंने ही लीड करा है। ठीक है, हम लोगों ने एक प्रयास किया था उनको मजबूती से चुनौती देने का। आप देखेंगे पुराने रिकॉर्ड को देखेंगे तो उससे हम लोग बेहतर हुए, हम उस नज़रिए से देखते हैं, हम ऊपर जा रहे हैं कि नहीं, हम बढ़ रहे हैं कि नहीं, कि मेरा नज़रिया पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है। हम अगर नीचे गिरते हैं तो समझ में आता है कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और पिछली बार जहाँ तक पहुँचे थे उससे ज़्यादा बेहतर हम लोग करेंगे, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इस बार हम उनको बहुत अच्छे माध्यम से पछाड़ेंगे। कारण बहुत सारे हैं, चुनाव के वक्त में उन सारी चीज़ों पर हम लोग जाएंगे। हम लोग की तैयारी एक दिन का नहीं होता है, हम लोग लगातार पिछले 15 सालों से यही काम कर रहे हैं। इसमें जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार कालीचरण मुंडा जी, वो हमारे प्रत्याशी हैं, हम यहाँ काफ़ी मजबूत हैं गठबंधन के रूप में भी, और जो परिस्थिति है निश्चित रूप से ये हम चुनाव जीतेंगे। तब है हमारे जो जिला के पदाधिकारी हैं, चाहे प्रखंड के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, आपसी तालमेल बनाकर और बहुत सारी चीज़ों को, पुरानी बातों को भूलते हुए हमें इस चुनाव में आज से ही लग जाना है। जब तक चुनाव नहीं होता है, गिनती नहीं होती है, तब तक अब कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को सोना नहीं है, लगे रहना है, और अपने अपने इलाके में जहाँ जहाँ जिनका, चाहे प्रखंड है, जिला है, वहाँ ईमानदारी से सभी लोगों को काम करना। हम मजबूत हैं, इंडिया गठबंधन के सामने जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है वो आपको बैठक से ही पता चलता है, और यहाँ का जो आम लोगों का जो उनका एक तरफ से पल्स रीड करने से पता चल रहा है कि इस बार लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने
मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।